भारतीय मीडिया यानी इवेंट मीडिया ने हम सब की संवेदना अपने चैनलों के रिमोट से कंट्रोल कर ली है। हम सब इतने यांत्रिक हो गए हैं कि बटन दबते ही प्रतिक्रिया चालू और बटन दबते ही सब्जेक्ट चेंज। अरे सिद्धार्थ वशिष्ठ वो जवान है जो उस दिन अभिनंदन के साथ उड़ा था पर चौपर दुर्घटना में शहीद हो गया। उसका दुर्भाग्य ये रहा कि वो पाकिस्तान की सीमा में नहीं गिरा। अभिनंदन के आने की खुशी का इतना इजहार, इतना शोर कि शहीद सिद्धार्थ वशिष्ठ के घर शांति से मातम भी नहीं मन पाएगा। आज शव घर पहुंचा है। पत्नी आरती स्वयं स्क्वाड्रन लीडर है और वर्दी में खुद पति का शव लेने पहुंची। आरती ने इमोशंस पर इतना कंट्रोल रखा कि घर पहुंचने के बाद बिफर के रोई। पर हम देशवासी हैं कि इमोशंस पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे। हमें अभिव्यक्त करना ही नहीं आता। हमारी समझ कितनी है, क्यों इतने दोगले हैं हम। जिस रोज अभिनंदन सरहद पार चले गए थे उसी रोज एक और विमान क्रैश हुआ था जिसके पायलट सिद्धार्थ थे। जब सारे ही सैनिक हमारे हैं तो हम इतने खुश कैसे हो सकते हैं। अभी वाघा बॉर्डर नहीं हुई, पिकनिक स्पॉट हो गई। जलंधर अमृतसर रांची से गए लोगों के लिए अभिनंदन एक सेल्फी कैरेक्टर से ज्यादा कुछ नहीं। वाघा अटारी गए ये वो टूरिस्ट शाम अपने अपने वाहनों में माल लगाते हुए घर लौट जाएंगे। फैमिली को ढाबों पर खाना खिलाते हुए फेसबुक पर अभिनंदन के साथ की तस्वीरें शेयर करेंगे और सिद्धार्थ वशिष्ठ के घर मातम चल रहा होगा। बड़ी जिम्मेदारी है हमारी भारतीय नागरिक होने के नाते, कुछ तो ख्याल रखो। त्वरित प्रतिक्रियाएं, त्वरित गुस्सा, त्वरित खुशी, त्वरित आक्रोश, यह सब सामूहिक रूप से भीड़ के लिए नुकसानदायक है। चिंतन की आवश्यकता है। संवेदनाओं को समझने और उनके प्रकटीकरण में मर्यादाएं तय करने की आवश्यकता है। तमाशे बंद करो। देश के लिए कुछ करना है तो देशभक्ति जहाँ खड़े हो वहाँ से शुरू करो। बात कड़वी है पर सच्ची है। दूध के उफान की तरह ना बनो दोस्तों, शांत समुद्र की तरह बनो। प्रतिक्रिया गंभीर होनी चाहिए।